Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में. सबसे पहला चर्चा करेंगे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डेटा के अनुसार, डिपार्टमेंट के अनुसार, जहां पर फॉरकास्ट किया गया है कि इस बार इंडिया को अबव नॉर्मल मॉनसून मिलने वाला है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छी कंडीशन होगी. सबसे पहले यहां पर समझ लीजिए, ये जो ईयर है ये कहीं ना कहीं प्रेडिक्ट किया गया है. अभी तक IMD की आप जितनी भी प्रेडिक्शन देख रहे हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पर सब बहुत बढ़िया प्रेडिक्शन आपको देखने के लिए मिले हैं. अगर हम यहाँ पर LPA की बात करें, विच इज़ दी लॉन्ग प्रोवाइडेड एवरेज की बात करें, साउथ वेस्ट मॉनसून रेनफॉल का, जो कि जून से सितंबर के मध्य होता है, तो 1971 से 2020 तक लगभग ये 87 सेंटीमीटर हमें देखने के लिए मिला है. और इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो IMD ने प्रेडिक्ट किया है कि रेनफॉल इस बार 106% LPA का जाएगा. समझने की कोशिश करिए कि कंट्री की अगर हम बात करें तो जून से सेप्टेम्बर के बीच में 2023 में अगर हम देखें तो ये 94% हमें बारिश देखने मिली थी LPA की, विच इज 82 सेंटीमीटर, राइट. दैट मींस यहां पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार LPA 106 के बियॉन्ड जाने की संभावना है. दैट मींस 93 सेंटीमीटर के आसपास हमें बारिश देखने के लिए मिलेगी. कारण क्या, देखिए पिछले साल ये जो साल निकला है ये एल नीनो का है. इसकी वजह से आप देखेंगे जो सेंट्रल पैसिफिक है, ये यूजुअली कहीं ना कहीं भारत में मॉनसून के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार होता है. इंडिया का मॉनसून इसकी वजह से घटा था, और चूंकि एल नीनो ईयर निकला है और अब आने वाला जो साल होगा ये होगा लानीना का. हालांकि एल नीनो पूरी तरीके से यहाँ पर फेड आउट नहीं होने वाला है, बट धीरे धीरे अगर हम बात करें जून और आगे आने वाले टाइम में, तो लानीना की कंडीशन यहाँ पर क्रिएट हो सकती है, जिसकी वजह से भारत को जो मॉनसून इस बार मिलेगा, जो रेनफॉल मिलेगा, स्पेशली सेकेंड हाफ में अगर हम बात करें अगस्त और सेप्टेम्बर के आसपास, तो ये यहाँ पर सरप्लस देखने के लिए मिलेगा. IMD ने बहुत सारी अप्रोच उसको यहाँ पर अडॉप्ट किया है, जिसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो एक पिछले 150 सालों के डेटा को यहाँ पर देखा गया है. टेम्परेचर कंडीशन देखी गई है, इंडियन ओशन डायपोल की कंडीशन देखी गई है कि इंडियन ओशन डायपोल अभी न्यूट्रल स्थिति में है. अगर IOD यहां पर पॉजिटिव हो जाता है तो आपको पता है कि भारत में जो मॉनसून आता है ये बहुत अच्छी कंडीशन में हमें देखने के लिए मिलता है. इंडियन ओशन डायपोल आप सभी जानते होंगे, इंडिया में जो साउथ वेस्ट मॉनसून है वो कुछ इस तरीके से एंटर होता है, राइट. तो यहीं पर IOD का संबंध भी हमें देखने के लिए मिलेगा. सो बेसिकली ये था इस आर्टिकल के बारे में. इन केस आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इंडियन ओशन डायपोल के बारे में नहीं जानते हैं, तो समझ लीजिए इंडियन ओशन डायपोल को डिफाइन किया जाता है एक डिफरेंस ऑफ सी टेम्परेचर, सी सरफेस टेम्परेचर में, जहाँ पर हम दो एरिया, दो पोल्स या दो डायपोल्स के बारे में यहाँ पर बात करते हैं. सो बेसिकली हम यहाँ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करने वाले हैं द वेस्टर्न पोल एंड द ईस्टर्न पोल, मतलब हम अरेबियन साइड और हमारा जो बे ऑफ बंगाल का साइड है इसके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं. वेस्टर्न पोल विच इज़ अरेबियन सी, वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड द ईस्टर्न पोल इज द ईस्ट ऑफ द इंडियन ओशन विच इज टिल द साउथ ऑफ द इंडोनेशिया. जैसे एल नीनो यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट की कंडीशन क्रिएट करता है, बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम बात करें तो इंडियन ओशन डायपोल भी हमें देखने के लिए मिलता है. समझने की कोशिश करिए, आपको पता है हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर का मूवमेंट हमें देखने के लिए मिलता है. दैट मीन्स नेगेटिव IOD कब होगा, अगर सपोज ये जो जगह है जो हमारा ईस्टर्न साइड है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि ये हो जाए आपका गर्म, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा लो प्रेशर. और अगर आप यहाँ पर बात करेंगे और ये हो जाए आपका कोल्ड, तो ये कंडीशन बन जाएगी आपकी हाई प्रेशर. तो मूवमेंट किस तरफ होता है हमेशा याद रखिए, जैसा मैंने आपको बताया है, इट ऑलवेज हैपन फ्रॉम दी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. नाउ व्हाट विल हैपन कि ये कंडीशन क्रिएट होगी विच इज़ नॉट एट ऑल गुड, यहाँ पर राइज होगा और ये एक सिचुएशन क्रिएट करेगा. अपोजिटली अगर हम बात करें तो पॉजिटिव IOD क्या होता है, तो पॉजिटिव IOD समझिए कंडीशन कब होगी, ये आपका प्यारा भारत. अब यहाँ पर हमारे भारत में क्या सिचुएशन होगी, ये जगह हो जाएगी वार्म, विच मीन्स वार्मर, ये हो जाएगा आपका कोल्ड. दैट मीन्स यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा आपका हाई प्रेशर और यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा लो प्रेशर. दैट मीन्स मूवमेंट कुछ इस तरीके से हमें देखने के लिए मिलेगा. पॉजिटिव IOD का मतलब होता है डिक्रीज रेनफॉल इन द इंडियन ओशन रीजन सच एज इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंक्रीज रेनफॉल इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन, ईस्टर्न कोस्ट, अरेबियन पेनिनसुला एंड द नियर बाय रीजन.
दैट मीन्स वार्मर सी टेम्परेचर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो वेस्टर्न इंडियन ओशन रिलेटिवली टू ईस्ट एंड ईस्टर्ली विंड एनोमलीज अक्रॉस द इंडियन ओशन लेस क्लाउडीनेस टू द ऑस्ट्रेलिया एंड द नियर बाय एरिया, राइट। और इसी का इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिलता है वेदर पर। आईओटी जो है वो सी सरफेस टेम्परेचर को यहाँ पर इम्पैक्ट कर सकता है, और इसी के साथ जो हमारा सी टेम्परेचर है, जो इंडिया में कंडीशन है, वो भी हमें देखने के लिए मिल जाती है। ऑल राइट, आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा पॉजिटिव आईओटी का मतलब क्या होता है, नेगेटिव आईओटी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, और इसी पूरे फिनोमेना को हम यूजुअली बोल देते हैं एल नीनो। सदर्न ऑसिलेशन जो हमें देखने के लिए मिलता है वो ही एक फिनोमेना जो पैसिफिक ओशन में घटता है उसे हम एनजो की कैटेगरी में यहां पर लेकर चलते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं यहां पर न्यू डेटा लॉ अ बैरियर टू जर्नलिस्ट फ्री स्पीच। समझते हैं आर्टिकल किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ बात कर रहा है। अगस्त 2023 में इंडिया ने इम्प्लीमेंट करा है फर्स्ट कॉम्प्रीहेंसिव डेटा फॉर द प्रोटेक्शन लॉ नोन एज द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। डिजिटलाइजेशन कहीं ना कहीं इसका मुख्य उद्देश्य था कि रेगुलेट करना है जो पर्सनल डेटा सिस्टम है और सेफ गार्डिंग देना है एक इंडिविजुअल प्राइवेसी राइट को इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल रियम। समझते हैं डीपीडीपी एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के बारे में। सो डीपीडीपी एक्ट यहां पर बात कर रहा है एक प्रिंसिपल ऑफ यूजर कंसेंट, जो कि इसका मुख्य उद्देश्य है, जिसके इर्द गिर्द आपको ये एक्ट देखने के लिए मिलेगा। पर्सनल डेटा को प्रोसेस करना हो, इस्तेमाल करना हो, तो यूजर कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अलाउ कर रहा है इंडिविजुअल को कुछ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग एक्सेस टू एंड इंश्योर ऑफ देयर डेटा। एडिशनली लॉ यहां पर इम्पोज कर रहा है एक ऑब्लिगेशन ऑन कंपनीज जो कि पर्सनल डेटा को हैंडल कर रही हैं, और एक नया मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही हैं फॉर एड्रेसिंग ग्रीवियंस थ्रू अ कंप्लेंट बॉडी। इम्पैक्ट की बात करें अगर हम जर्नलिस्टिक फ्री स्पीच की, तो एक नोटेबल एस्पेक्ट हमें डीपीडीपी एक्ट का देखने के लिए मिलता है कि ये जर्नलिज्म फ्री स्पीच को कहीं ना कहीं हैम्पर कर रहा है। जहां पर एक तरफ डेटा यहां पर प्रोटेक्शन क्रिएट कर रहा है, और ये डेटा प्रोटेक्शन लॉ टिपिकली एग्जम्प्ट करते हैं जर्नलिस्टिक एक्टिविटीज़ की फ्रॉम सर्टेन प्राइवेसी ऑब्लिगेशन सच एज ऑब्टेनिंग कंसेंट बिफोर यूजिंग पर्सनल डेटा, द फाइनल वर्जन ऑफ डीपीडीपी एक्ट डिड नॉट इंक्लूड सच एग्जम्प्शन, जिसकी वजह से जर्नलिस्टिक एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं हैम्पर हो रही हैं। ये जो ओमिशन है ये कंसर्न रेज कर रहा है अमंग द जर्नलिस्ट एंड मीडिया हाउसेज इन इंडिया कि किस तरीके से अब यहाँ पर काम किया जाएगा। समझने की कोशिश करिए कि डीपीडीपी एक्ट में जर्नलिस्ट को भी यहाँ पर रिक्वायर होगा कि वो कंसेंट लें फ्रॉम एमपीज बिफोर यूजिंग देयर पर्सनल डेटा इन द स्टोरीज, राइट। फर्दर मोर इवन आफ्टर पब्लिकेशन एमपीज को एक्सरसाइज देयर राइट टू इंश्योर टू इरेज और रिक्वेस्ट द रिमूवल ऑफ सच ए स्टोरी। इसकी वजह से जो सिग्निफिकेंट चैलेंज है वो जर्नलिज्म पर हमें देखने मिल रहा है कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन करने में, रिपोर्टिंग करने में, या पब्लिक जो ऑफिशियल्स अकाउंटेबिलिटी है उसको ध्यान में रखते हुए काम करने में एक प्रॉब्लम हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है। डीपीडीपी एक्ट की अगर हम बात करें तो ये गवर्नमेंट को एक अथॉरिटी दे रहा है कि दे कैन रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी डेटा प्रोसेसर इन इंडिया। इस प्रोविजन की वजह से अगर हम ब्रॉडली इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करें तो इट इफ ब्रॉडली इंटरप्रिटेटेड एंड एनफोर्स्ड दैट कुड कॉम्प्रोमाइज द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ जर्नलिज्म दैट मस्ट मेंटेन ऑफ देयर सोर्स एंड रिसर्च डॉक्यूमेंट। दीज पोटेंशियल इम्पैक्ट मेरी कंसर्न अबाउट द एबिलिटी ऑफ द जर्नलिज्म, क्योंकि इसकी वजह से उनके जो सोर्स हैं वो क्या हैं वो उन्हें बताने पड़ेंगे, जिसकी वजह से कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, राइट। अलॉन्ग विद दैट जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है इसकी वजह से अगर सपोज किसी ने बोला कि आपने हमारे डेटा का यूज़ क्यों किया है, तभी भी जर्नलिज्म हैम्पर होगा। सो कहीं ना कहीं डीपीडीपी जो एक्ट है ये इन सारी चीज़ों को हैम्पर क्रिएट कर रहा है, विच यू हैव टू नो। और इसको जानने के लिए आपको डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में और डिटेल से जानना होगा, एंड फॉर दैट सेंस वी हैव डिस्कस्ड इट मल्टीपल टाइम। वॉट यू कैन डू, आप राउज अकेडमी के टेलीग्राम चैनल राउज अकेडमी ऑफिशियल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप rouseacademy.in पर, विच इज़ आर वेबसाइट, उस पर जाकर भी इस पूरे के पूरे डिस्कशन का एक फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको इस पर्टिकुलर एक्ट के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करने वाले हैं हम आर्कटिक रीजन की। दिसंबर 2023 चार इंडियन क्लाइमेट साइंटिस्ट दे हैव एम्बार्क्ड ऑन इंडियाज मेडन विंटर एक्सपेडिशन टू
आर्कटिक, और एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट हुआ है यहाँ पर कंट्री के अप्रोच में, जहाँ पर हम पोलर रिसर्च को लेकर बात करते हैं। ये एक्सपेडिशन यहाँ पर हुआ था हिमाद्री, जो कि इंडिया का रिसर्च स्टेशन है, आई गेस आप सभी को पता है, इंटरनेशनल आर्कटिक रिसर्च बेस एट सैलबर्ड नॉर्वे, नोन फॉर इट्स रिगरस एक्मलाइजेशन प्रोसेस एंड द चैलेंज फॉर एंड्यूरिंग पोलर नाइट्स। समझिए, इंडिया को आर्कटिक इंटरेस्ट क्यों है? पहला तो क्लाइमेट चेंज एक कंसर्न। इंडिया का जो डिसीजन है कि वो यहाँ पर अराउंड द ईयर आर्कटिक मिशन यहाँ पर करने वाला है, ताकि जितने भी जो अलार्मिंग सिचुएशंस हो रही हैं क्लाइमेट को लेकर, मेल्टिंग ऑफ आइस और सारी चीज़ें, उसके बारे में यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जा सके, और एक कनेक्शन जो है आर्कटिक सी के आई के मेल्ट होने में और क्लाइमेटिक इवेंट्स जो घट रहे हैं इंडिया में, उनको यहाँ पर आइडेंटिफाई करने में, ताकि पॉलिसी मेकिंग को यहाँ पर क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए, क्या हमारी चीज़ें होनी चाहिए, क्या रिसर्च, क्या इनोवेशन होना चाहिए, इसके बारे में एक डिटेल जानकारी मिल सके। दूसरी चीज़, इंडिया कहीं ना कहीं लेवरेज कर रहा है अपने आर्कटिक रूट पर, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें नदन सी रूट में, ताकि ऑप्टिमाइज़ किया जा सके ट्रेड रूट्स को। ऐसे में इन रूट्स को यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज दीज रूट प्रॉमिस कॉस्ट and time saving for Indian shipping companies along with enhanced security for good transportation. Next, अगर हम बात करें तो हमें एक geopolitical considerations भी देखने के लिए मिलता है। Arctic जो कि mark किया जा रहा है by the China's expanding presence and Russia's cooperation with China in granting access to the Northern Sea route. Now it has prompted India to reevaluate its Arctic strategies, क्योंकि इसके साथ ही important हो जाता है कि हम एक proactive stance Arctic regions में ले सकते हैं। सो जियोपॉलिटिकली भी अगर हम बात करें तभी भी इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अलॉन्ग विद दैट, अगर हम इंडिया के इन्वॉल्वमेंट की बात करें आर्कटिक को लेकर, तो 1920 से आप लगभग देखेंगे तो इंडिया का एक इन्वॉल्वमेंट हमें देखने मिल रहा है विद दी सालबार्ड ट्रीटी। सालबार्ड ट्रीटी के इंडिया ने जिसको 1920 में साइन किया था, उसी के साथ ही इंडिया का एक इन्वॉल्वमेंट है। एंड सिंस देन इंडिया कहीं ना कहीं एक्सपांड कर रहा है अपनी आर्कटिक रिसर्च इनिशिएटिव को, और उसी को लेते हुए 2008 की बात है जब इंडिया ने अपना यहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूशन भी इस्टेब्लिश कर दिया था। इंडिया यहाँ पर आर्कटिक काउंसिल में बात कर रहा है, अपने प्रेजेंस को सॉलिडिफाई करने की कोशिश कर रहा है, ताकि की रिसर्चेस जो हैं उनको किया जा सके। 1980 से अगर हम बात करें और इंडिया और नॉर्वे कहीं ना कहीं फॉस्टर कर रहे हैं क्लोज टाई को, जहाँ पर रिसर्च इनिशिएटिव स्टडी करना हो, या फिर जो चेंजिंग कंडीशन है आर्कटिक अंटार्कटिक के आसपास की, या इनका क्या इम्पैक्ट साउथ एशिया में होने को हमें देखने के लिए मिल रहा है क्लाइमेटिक कंडीशंस की अगर हम बात करें, इन सभी को लेते हुए यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव डिस्कशन हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। करेंटली इंडिया की जो पॉलिसी है वो बात कर रही है आर्कटिक कंट्रीज के साथ कोऑपरेशन एस्टैब्लिश करने की, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ ग्रीन एनर्जी, क्लीन इंडस्ट्री, ताकि जो एक रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर का स्टेटस है उसको बढ़ाया जा सके। एक कोलैबोरेटिव एफर्ट लेकर यहाँ पर काम किया जा रहा है। बहुत सारी कंट्रीज जैसे डेनमार्क, फिनलैंड, इनका भी फोकस है वेस्ट मैनेजमेंट को, पॉल्यूशन कंट्रोल, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, ताकि यहाँ पर एक ब्लू इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में काम किया जा सके, मैरिटाइम ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाया जा सके, इंफ्रा की बात करें हम, या फिर जितने भी रिसोर्स डेवलपमेंट हैं उनको लेकर काम किया जा सके। ठीक है, सो यहाँ पर हमें समझना होगा कि आर्कटिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हिमाद्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप सबसे पहले इस मैप को यहाँ पर देख लीजिए, आई वॉन्ट यू टू सी दिस पर्टिकुलर डायग्राम। सो ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, ये है ट्रीटी ऑफ साल्वाडोर जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे थे, एंड हियर इज दी साल्वाडोर, ये आपको क्षेत्र देखने के लिए मिलेगा आर्कटिक का। समझिए, इंडिया का आर्कटिक रिसर्च स्टेशन जो है उसका नाम है हिमाद्री, आपको यहाँ पर समझना होगा फर्स्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि लोकेटेड है नाय एल्सियन में, आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत क्लियरली, राइट इन द नॉर्वेजियन आर्किपेलागो ऑफ सालबार्ड इन द आर्कटिक ओशन। इंडिया ने अपने परमानेंट आर्कटिक रिसर्च स्टेशन को इनॉग्रेट किया था 1 जुलाई 2008 को, और इस स्टेशन को लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी पर नॉर्थ पोल से यहाँ पर रखा गया है। हिमाद्री का यहाँ पर काम लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग को लेकर काम करना है, अलग अलग जो डायनमिक्स हैं, जो जॉर्ड्स हैं, एटमोस्फेरिक रिसर्च है उसको यहाँ पर कंडक्ट करना है। इसके अंतर्गत एरोसोल्स रेडिएशन किस तरीके से हो रहे हैं, स्पेस वेदर कंडीशन क्या है, फूड बेव डायनमिक्स क्या है, माइक्रोबियल कम्युनिकेशन, ग्लेशियल सेडिमेंटोलॉजी, कार्बन रिसाइकलिंग जैसी कंडीशंस को यहाँ पर समझना इसका मुख्य उद्देश्य हमें देखने के लिए
मिलता है, राइट। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें समझ आ चुकी होंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं ग्लोबल CO2 इमिशन कम फ्रॉम एविएशन, और एविएशन को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए बात की जा रही है कि क्या जो हम ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन की बात कर रहे हैं उसमें एविएशन का क्या रोल हमें देखने के लिए मिल रहा है। कुछ फिगर्स हैं, कुछ डेटा हैं, बात करते हैं उससे रिलेटेड। देखिए, डिस्पाइट बींग वन ऑफ द मोस्ट कार्बन इंटेंसिव एक्टिविटीज़, एविएशन की अगर हम बात करें तो वो केवल और केवल 2.5% दुनिया के कार्बन का इमिशन कर रहा है, जो कि अपने आप में लो कॉन्ट्रीब्यूशन है ड्यू टू द फैक्ट दैट मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन डज नॉट इंगेज इन एयर ट्रेवल। स्टडीज़ ने आइडेंटिफाई किया है कि अप्रॉक्सीमेटली 90% ग्लोबल पॉपुलेशन रिफ्रेन करती है फ्लाइंग इन मोस्ट ईयर। हाउएवर, ग्लोबल इनकम जिस तरीके से राइज हो रही है, धीरे धीरे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक परिवर्तन, एक एयर ट्रेवल में यहाँ पर चेंजेस हमें देखने के लिए मिलेंगे। एक शिफ्ट हमें देखने मिल रहा है एविएशन इमिशन में ओवर द पास्ट 50 ईयर्स, जो कि कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स जिसके अंतर्गत डिमांड एयर ट्रेवल्स की हो सकती है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। कार्बन इमिशन को समझने के लिए एविएशन सेक्टर से हमें तीन मैट्रिक्स को यहां पर समझना होगा। पहला तो एविएशन डिमांड, विच मीन्स वॉल्यूम ऑफ पैसेंजर और फ्राइट किलोमीटर्स की यहाँ पर बात करी जा रही है जो कि एयर ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा एनर्जी एफिशिएंसी, दैट मींस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि पर किलोमीटर ट्रैवल करने में एयरक्राफ्ट के द्वारा कंज्यूम की जाती है। और तीसरा हो जाएगा आपका कार्बन इंटेंसिटी, जो कि इंडिकेट करता है उस टाइप ऑफ फ्यूल को जिसको एविएशन में यूज़ किया जाता है, जो कि डिटरमाइन करता है कार्बन जो एमिशन है पर यूनिट एनर्जी प्रोड्यूस के हिसाब से वो किस तरीके से देखने के लिए मिल रहा है। कैलकुलेशन बात करें अगर हम एविएशन इमिशन की, तो बाय मल्टीप्लाइंग दीज मैट्रिक्स टुगेदर एक टोटल कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन जो है एविएशन सेक्टर से उसको डिटरमाइन किया जाता है। 1990 से 2019 तक की अगर हम बात करें तो पैसेंजर और फ्राइट डिमांड एविएशन सेक्टर में ग्रेजुअली यहां पर बढ़ी है, और ये सर्ज कहीं ना कहीं इंक्रीज नंबर ऑफ पीपल जो ट्रैवल कर रहे हैं एयर के थ्रू वो बढ़ा है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा है। और 2019 के अकेले अगर हम बात करें तो 8 ट्रिलियन पैसेंजर ट्रैवल्ड ओवर 8 ट्रिलियन किलोमीटर अ डिस्टेंस कंपेरेबल टू अ लाइट ईयर यहाँ पर हमें देखने मिला। हालांकि उस बात को हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि COVID-19 का टाइम पीरियड था और यहीं पर ये चीज़ें हमें देखने के लिए मिली हैं। एक फिगर देखिए, एक चार्ट देखिए, जहाँ पर आपको समझ में आएगा कि ग्लोबल एविएशन डिमांड जो है वो किस तरीके से देखने मिल रही है। पैसेंजर डिमांड सडन यहाँ पर स्पाइक हुआ है, फ्राइट डिमांड सडन यहाँ पर राइज हुआ है, हालांकि एनर्जी इंटेंसिटी कम हुई है, कार्बन पर यूनिट ऑलमोस्ट स्टैटिक कंडीशन में आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसे में कॉन्करेंटली फ्लाइंग हैज़ बिकम मोर देन ट्वाइस एनर्जी एफिशिएंट। एनर्जी रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें, जो 1 पैसेंजर किलोमीटर डिक्रीज हुआ है सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 2.9 मेगा जूल्स, जिसे आप MJ में काउंट करते हैं, 1990 में जो था वो 1.3 मेगा जूल तक रह गया है। ये इम्प्रूवमेंट कहीं ना कहीं एक एडवांस एयरक्राफ्ट डिज़ाइन में हमें देखने मिल रही है, टेक्नोलॉजी में देखने मिल रही है, लार्जर प्लेन्स जो कि ज़्यादातर लोगों को एक साथ ले जाने में यहाँ पर सक्षम है, लोड फैक्टर्स यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा फ्यू एम्प्टी सीट्स हमें देखने के लिए मिल रही हैं, रिजल्ट इन टू कहीं ना कहीं जो फ्लाइंग है उसका कार्बन जो इमिशन है वो हमें कम देखने के लिए मिल रहा है, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो चार्ट है, आप दूसरा चार्ट भी देख लीजिए, ये चार्ट कहीं ना कहीं शो कर रहा है ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को फ्रॉम द एविएशन सेक्टर कि ये किस तरीके से बढ़ रहा है, कितना यहाँ तक जा रहा है या जाने की संभावना है। अगर हम इस डेटा को ही एनालाइज करें बैक फ्रॉम 1940s, तो एक एविडेंट है कि ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन जो है एविएशन सेक्टर से ये क्वाड्रपल हो गया है सिंस 1960, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि भविष्य में भी अगर आप बात करेंगे तो इसके बढ़ने के चांसेस हैं। 2019 में जहां पर हम बात कर रहे हैं तो एविएशन 2.5% कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कर रहा है फ्रॉम फॉसिल सोर्स एंड लैंड यूजेस। ये शेयर फ्लक्चुएट है क्योंकि ये दो कहीं पर 2%, कहीं पर 2.5% हमें देखने के लिए मिल रहा था इन मिड 1990s, बट हैज शोन अ मार्क्ड इंक्रीज इन 2010। नॉन क्लाइमेटिक इंपैक्ट बात करें तो बियॉन्ड कार्बन डाइऑक्साइड एविएशन हैज़ एडिशनल क्लाइमेट इम्पैक्ट ड्यू टू इट्स इफेक्ट ऑन एटमोस्फेयरिक गैसेज एंड पॉल्यूशन। ये जो इम्पैक्ट है ये शॉर्ट टर्म है,
ठीक है, ये लॉन्ग टर्म में बदल जाते हैं, जैसे ओजोन जो गैसेज यहाँ पर निकल रही हैं, मीथेन अलॉन्ग विद वाटर वेपर, सूट, सल्फर, एरोसोल, वाटर कॉन्ट्रेल्स। वहीं कुछ इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो दे कैन लीड टू वार्मिंग, जैसे आप देखेंगे इंड्यूस्ड अ कूलिंग इफेक्ट, ओवरऑल वार्मिंग इफेक्ट यहाँ पर इम्पैक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एविएशन सेक्टर में हमें देखने के लिए मिल रही हैं, राइट। अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें कि भाई डीकार्बनाइज कर दो एविएशन सेक्टर को, तो देखिए बहुत सारे सेक्टर्स हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी, रोड ट्रांसपोर्ट, हीटिंग हैव वायबल लो कार्बन अल्टरनेटिव, एविएशन लैग्स बिहाइंड इन अडॉप्शन सच सॉल्यूशन, येट इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर कहीं ना कहीं रिलायंस करना होगा जेट फ्यूल पर, और लिमिटेड प्रोग्रेस हमें देखने मिल रही है इन ट्रांजिशन टू लो कार्बन फ्यूल, पोजेस ऑब्स्टिकल टू रिड्यूसिंग दीज इमिशन। हालांकि फ्यूचर में देखना होगा कि क्या लो कार्बन फ्यूल्स को यहाँ पर अडॉप्ट किया जाता है या नहीं किया जा रहा है, क्या बायोफ्यूल, हाइड्रोजन फ्यूल या ऐसी कोई कॉम्बिनेशन थ्योरी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है या फिर नहीं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हम बात करेंगे ऑपरेशन मेघदूत को लेकर। 15,632 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ सियाचिन ग्लेशियर, जो कि लैंड ऑफ रोजेस के नाम से जिसको लैंड ऑफ रोजेस कहा जा रहा है इन बाल्टी लैंग्वेज, बट हैज गेन्ड नोटोरियसली वर्ल्ड्स हाईएस्ट एंड कोल्डेस्ट वाटर फील्ड, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के साथ सिग्निफिकेंट चैलेंज क्रिएट कर देता है, विद अराउंड 1,150 सोल्जर्स हैविंग लॉस्ट देयर लाइव्स मेनली ड्यू टू हार्श एनवायरनमेंट। हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट है सियाचिन ट्रेस को लेकर, जो कि कहीं ना कहीं पार्टीशन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान तक हमें लेकर जाते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल जिसे इस्टाब्लिश किया गया था NJ9842 एज पर द 1972 शिमला एग्रीमेंट अगर हम बात करें, जो कि स्टेटस है ग्लेशियर रिमेन्ड अनडिफाइंड। इंडिया क्लेम करता है दैट एरिया बेस्ड ऑन एग्रीमेंट सच एज जम्मू कश्मीर एक्सेशन एग्रीमेंट 1947 एंड द कराची एग्रीमेंट 1949, जो कि डिफाइन कर रहा है कि सीज फायर लाइन एक्सटेंडिंग नॉर्थवर्ड टू द ग्लेशियर। कन्वर्सली पाकिस्तान इंटरप्रेट करता है इसका एक्सटेंडिंग जो है वो नॉर्थ ईस्टवर्ड है, सीकिंग कंट्रोल ओवर द रीजन बियॉन्ड द साल्टोरो रिज एंड सियाचिन। ये स्ट्रैटेजिक पोजीशन है जो कि इम्पॉर्टेंट है, दैट प्रोवाइड पाकिस्तान विद डायरेक्ट कनेक्टिविटी टू द चाइना एंड ओवरसाइड ओवर द लद्दाख रीजन एंड लेह श्रीनगर हाईवे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर एक थ्रेट हमें देखने के लिए मिलता है। बात करें सबसे पहले 40 साल हो चुके हैं ऑपरेशन मेघदूत को लेकर। 1970-80 के दशक में पाकिस्तान परमिटेड फॉरेन माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन टू द सियाचिन ग्लेशियर, एडवांसिंग इट्स टेरिटोरियल क्लेम थ्रू अ कैटोग्राफिक एग्रेशन, और इसी को इंडिया टर्म दे देता है कैटोग्राफिक एग्रेशन ऑफ द पाकिस्तान। इंटेलिजेंस रिपोर्ट हमें देखने मिली अर्ली 1984 में, जिन्होंने सजेस्ट किया कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपनी मिलिट्री एक्सपांशन पॉलिसीज यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा है। चलिए समझते हैं डिटेल में इस पर्टिकुलर ऑपरेशन मेघदूत को। देखिए ऑपरेशन मेघदूत भारतीय सेना द्वारा सियाचिन ग्लेशियर में चलाया गया था। पाकिस्तान 17 अप्रैल 1984 तक सियाचिन पर कब्जा करना चाहता था, और इसके लिए पाकिस्तानी सेना ने एक ऑपरेशन अबाबील चलाया था। 13 अप्रैल 1984 को सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय सेना ने पूरी तरीके से अपना नियंत्रण स्थापित किया, और इसी के साथ अगर हम बात करें तो NJ9842 कहीं ना कहीं एक डिमार्केशन लाइन के रूप में हमें देखने के लिए मिलेगी। यही है हमारा ऑपरेशन मेघदूत एक बिल्कुल शॉर्ट एंड ब्रीफ कॉन्टेक्स्ट में। समझिए ऑपरेशन मेघदूत भारतीय सेना के द्वारा जो ऑपरेशन किया गया था वो उसका एक कोड नेम हमें देखने के लिए मिला था। हमारी इंडियन आर्मी ने क्या किया, जो हमारा यूनियन टेरिटरी है लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए एक ऑपरेशन यहाँ पर किया था, और 13 अप्रैल 1984 को इसको लॉन्च किया गया दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में। पाकिस्तान के साथ यहाँ पर लड़ाई हुई, और फाइनली हमारी इंडियन आर्मी जो है यहाँ पर इन्होंने ऑपरेशन मेघदूत के तहत सारी चीज़ों यहाँ पर जो क्षेत्र है उस पर कब्जा कर लिया। तो याद रखिएगा 1984 13 अप्रैल को यहाँ पर इसको शुरू किया गया था, और इस ऑपरेशन के तहत आप देखेंगे इंडियन आर्मी जो है वो सियाचिन ग्लेशियर पर कैप्चर करने में पूरी तरीके से सक्षम हुई थी, सफल हमें देखने के लिए मिली थी। चलिए
आगे अगर हम बढ़े तो ये पहली चीज आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए, पोजीशनिंग इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंस है, क्योंकि एक टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इसने बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बताया. पिछले 4 दशकों में अगर हम बात करें तो एक सिग्निफिकेंट एफर्ट्स किए गए हैं ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर हैबिटेट कंडीशन सियाचिन ग्लेशियर पर क्रिएट किया जा सके. एग्जाम्पल के तौर पर वीसेट, विच इज़ द वेरी स्मॉल अपैचर टर्मिनल टेक्नोलॉजी का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया ताकि रिवॉल्यूशनराइज किया जा सके कम्युनिकेशन सिस्टम को ग्लेशियर के आसपास, ताकि जितना भी कनेक्टिविटी है, क्रूशियल डेटा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, वो पहुंचाई जा सके. ऑब्जर्वेशन मेघदूत के कारण ही आपको एक और बेनिफिट देखने मिलेगा कि कहीं ना कहीं जो लिविंग कंडीशन और कनेक्टिविटी है आसपास के क्षेत्रों में वो बढ़ी, सप्लाई चेन यहां पर एनहेंस की गई, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को यहां पर नूबरा वैली के आसपास बढ़ाया गया, टेली मेडिसिन यहां पर पहुंचाई जाने लगी. अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें तो सप्लाई चेन लॉजिस्टिक कंडीशन को भी इंप्रूव किया, जो कि कहीं ना कहीं ऑपरेशन मेघदूत के बाद हमें देखने के लिए मिलेंगे, राइट. तो ये कुछ चीज़ें थी जो अर्ली कॉन्टेक्स्ट में मिसिंग थी, वो यहाँ पर हमें बाद में देखने के लिए मिली. और इसी के साथ हमारा जो ऑपरेशन मेघदूत है वो इम्पॉर्टेंट बनकर निकल कर आएगा, किसके लिए, भारत के लिए, जहाँ पर भारत ने अपनी एडवांस मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ के साथ इस क्षेत्र को यहाँ पर कैप्चर किया था. चलिए, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल. आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी. बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में. सो हियर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन. पहला क्वेश्चन यहाँ पर बात कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन को लेकर, और दूसरा क्वेश्चन बात कर रहा है पोटेंशियल बेनिफिट एंड चैलेंजेस ऑफ कार्बन कैप्चरिंग. व्हाट ऑल यू हैव टू डू, जस्ट राइट द आंसर, क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड इट ऑन दी गिवन लिंक बिलो. साथ ही अगर आपको DNR से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप मुझे PragyaPandey@rouseacademy.in पर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स. प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. लिंक्स आर गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. थैंक यू एंड सी यू सून.